साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई, देश से बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, जो कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा। साथियों, देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती? जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है। साथियों, स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। ये कोई एक दिन का, एक साल का, एक समय का नहीं, ये जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम है। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद अब ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें शहर हो या गांव, कचरे का मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ही है। हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। इस संकल्प के लिए आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से बेहतर दिन और कौन हो सकता है।